नमस्कार, सुमन किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे भुने हुए चने से बहुत ही लाजवाब बर्फी, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है, एक कटोरी भुने हुए चने हैं जिनका छिलका हमने निकाल दिया है, और ये 500 ml ये दूध है, ये हमारे पास एक कटोरी चीनी है, ये करीब 200 ग्राम है, और ये हमारे पास आधी कटोरी घी है, और दूध हमने जो लिया है फुल क्रीम दूध है। और ये देखिए, चने अब हम ग्राइंड कर लेते हैं सबसे पहले, और इधर हमने कढ़ाई में दूध चढ़ा दिया है। ये देखिए, चने हमने ग्राइंड करके और छन्नी से छान लिया है। इन्हें छानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कोई कड़ नहीं रहना चाहिए। और हम जैसे ही दूध हमारा खौलने लगेगा, इसे कम से कम 2 से 3 मिनट खौलने में लगे हैं, और हम इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा पकाएंगे 3 मिनट तक। ये जब अच्छी तरह से दूध पक जाएगा, तो इसमें हम आगे जो हमने चीनी ली है, वो एक कटोरी चीनी इसी में हम मिक्स करने वाले हैं। ये देखिए, दूध लगभग हमारा अच्छी तरह से खौल चुका है, और अब इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक कटोरी चीनी हमने इसमें डाल दिया। अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा मीठा या थोड़ा सा कम मीठा कर सकते हैं। और चीनी हमारी मेल्ट हो रही है, और इसमें हम अब बीच बीच में करके एक एक चम्मच घी डालते रहेंगे। वैसे हम शुरुआत में यदि घी डाल देते तो बर्फी में वो टेस्ट नहीं आता, और बर्फी की शाइनिंग भी धीमी पड़ जाती है। और हम लास्ट में घी डालते हैं, इससे बर्फी में शाइनिंग भी बहुत बढ़िया आती है, और घी का फ्लेवर बहुत बढ़िया बर्फी में आएगा। ये देखिए, जो हमने ग्राइंड करके रखा है वो हम धीरे धीरे करके डालते रहेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, यदि लम्स पड़ भी जाए तो साइड में दबा के उन्हें फोड़ देना चाहिए। ये देखिए, लम्स नहीं रह जाने चाहिए एक भी, इन्हें हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें चलाते हुए और बीच बीच में एक एक चम्मच करके हम घी डालते जाएंगे, और बर्फी को हम पकाते जाएंगे। चलाना नहीं बंद करना है, चलाते रहना है बीच बीच में। ये देखिए, कितनी बढ़िया हमारी बर्फी, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है बर्फी में। और ये देखिए, ये हमने, आप चाहें तो इलायची डाल सकते हैं। ये हमने जायफल का थोड़ा सा घिस के डाला है, जायफल का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। आपको इलायची पसंद है तो आप इलायची डाल सकते हो। और ये देखिए, इसमें आप मेवा भी ऐड कर सकते हैं, मेवा कोई भी मेवा डाल सकते हैं जो आप पसंद करते हो। ये देखिए, इसे हमें अच्छी तरह से अब चलाते जाना है, क्योंकि अब ये बर्फी बिल्कुल अपने जमने की कंसिस्टेंसी पर आ चुकी है। इसे हमें अब ऐसे नहीं छोड़ना है, चलाते जरूर रहना है। ये देखिए, कितनी बढ़िया हमारी बर्फी। ये देखिए, इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये पैन को अच्छी तरह से छोड़ने न लगे, और जब हमारी पूरी तरह से बर्फी तैयार हो जाएगी तो ये पैन अपने आप छोड़ देगी। देखिए, ये लगभग अब इकट्ठा होने लगी है, और थोड़ी सी कसर बस बाकी है, कम से कम
दो मिनट के लिए इसे हम और अच्छी तरह से चला लेते हैं। ये देखिए थाली में हमने पहले से घी लगा के रखा है, थोड़ी सी ग्रीस कर लेनी चाहिए और इसके बाद हमने हाफ प्लेट में ही इसे डाल के और इसे जमा देना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पतली नहीं जमानी होती है इसे। बेसन की बर्फी तो थोड़ा मोटी ही होती है, ये देख सकते हो हमने अच्छी तरह से हाफ प्लेट में ही बर्फी को जमा दिया है और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये लगभग 3 घंटे टाइम लगेगा ठंडा होने में, और जैसे ये ठंडी होगी वैसे ही हम इसे काट लेंगे पीस में। ये आप देख सकते हो हमारी बर्फी कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। दोस्तों यदि आपको